Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 9th June 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comments section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about demographic dividend and unemployment problems in India and China both. This topic is important from our syllabus GS Paper 3 Indian Economy point of view. सबसे पहले डेमोग्राफिक डिविडेंड का एक बेसिक सा डेफिनेशन देख लेते हैं. वैसे डेमोग्राफिक डिविडेंड का सरल सा मतलब क्या होना चाहिए, ब्रेक करके देख लेते हैं. डेमोज मीन्स पीपल एंड ग्राफिक मीन्स डेटा रिगार्डिंग पीपल एंड डिविडेंड मीन्स बेनिफिट. सो डेमोग्राफी को लेकर के यानी कि लोगों के से रिलेटेड डेटा से क्या एडवांटेजियस चीज़ें हमें मिल सकती हैं, दैट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड. सरल भाषा में कहें तो अगर यंग पॉपुलेशन है हमारे देश में, वर्किंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा है, डिपेंडेंट रेशियो कम है, तो दैट मीन्स दैट कंट्री इंजॉयज डेमोग्राफिक डिविडेंड. लोगों से रिलेटेड जो डेटा है दैट इज बेनिफिशियल और ऑन द पॉजिटिव साइड. दैट इज द मीनिंग ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड, सिंपल मीनिंग. बट लेट अस सी अ टेक्निकल डेफिनेशन गिवन बाय यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड. डेमोग्राफिक डिविडेंड रेफर्स टू द इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल दैट रिजल्ट्स फ्रॉम शिफ्ट्स इन अ पॉपुलेशन्स एज स्ट्रक्चर when the share of working age population that is considered somewhere close to 15 to 64 years is larger than non-working age share of the population. सरल भाषा में इसका मतलब ये है कि demographic dividend तब माना जाता है किसी देश के पास है जब वहाँ का जो working age population है which is 15 to 64 years वो population proportion wise non-working age population से ज़्यादा हो. काम करने वाले लोग किसी भी देश में अगर ज़्यादा होंगे डिपेंडेंट पॉपुलेशन की तुलना में, माना जाता है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चे हों या 64 ईयर से ज़्यादा उम्र के जो सीनियर सिटीजन्स हों, दे आर डिपेंडेंट पॉपुलेशन. तो नेचुरल सी बात है कि काम करने वाले लोगों की अगर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन वाइज ज़्यादा होगी किसी भी देश में तो वो देश इकोनॉमिकली ग्रो करेगा बिकॉज इट विल हैव लार्जर नंबर ऑफ वर्कर्स लेबर फोर्स. इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया इज हैविंग एन एडवांटेजियस पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू अदर कंट्रीज लाइक चाइना, जापान, जर्मनी. फॉर एग्जाम्पल इंडियाज एवरेज एज इज 28 ईयर्स. वहीं अगर चाइना की बात की जाए तो चाइना इज नाउ एजिंग, उसका एवरेज एज ज़्यादा हो रहा है एंड एवरेज एज इन चाइना इज 39 ईयर्स. एंड दैट शोज कि इंडिया इज हैविंग एन एडवांटेज ओवर चाइना एज फार एज डेमोग्राफी इज कंसर्न्ड. आप ये डेटा देख लीजिए, आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा. इसी जापान इंजॉयड द बेनिफिट ऑफ डेमोग्राफी फ्रॉम 1964 टू 2004. वहीं इटली का ऐसा कुछ था. चाइना का भी यंग डेमोग्राफी का जो फेज रहा है 1994 से लेकर के 2031 तक, 2031 के बाद से चाइना के अंदर डिपेंडेंट पॉपुलेशन ज़्यादा होने लगेगी विथ रिस्पेक्ट टू वर्किंग पॉपुलेशन. अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के पास ये एडवांटेज 2055 तक रहेगा. 2018 के बाद से वी हैव बीन इंजॉइंग अ वेरी स्ट्रांग और पॉजिटिव डेमोग्राफिक एडवांटेज और दैट एडवांटेज इज गोइंग टू स्टे विथ अस फॉर अबाउट 37 ईयर्स. सो वी कैन से कि इंडिया इज करेंटली हैविंग अ डेमोग्राफिक एडवांटेज, बट ये एडवांटेज भी हमेशा के लिए नहीं है. वी आर अ यंग इकोनॉमी राइट नाउ बट दैट डज नॉट मीन कि विल कंटिन्यू यंग फॉर एवर. तो ये एक एडवांटेज है, एक विंडो है जिसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए. बात की जाकर चाइना की तो चाइना यंग पॉपुलेशन और वर्किंग पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग. साथ ही साथ यू सी न्यू प्रॉब्लम्स आर इमर्जिंग इन चाइना. सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो चाइना में अभी इमर्ज हो रहा है वो है जॉबलेसनेस का. क्या प्रॉब्लम हुई है चाइना में, देखिए यंग एज की पॉपुलेशन कम हो रही है बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि यंग एज है ही नहीं. सो दिस ईयर इटसेल्फ अबाउट 12 मिलियन स्टूडेंट्स ग्रेजुएटेड इन चाइना, मतलब 1.2 करोड़. लेकिन उस हिसाब से चाइना जॉब्स क्रिएट नहीं कर पा रहा है और चाइना की इकोनॉमी को बड़ा सेटबैक लगा है बिकॉज ऑफ कोविड-19. चाइना ने कुछ अजीबोगरीब तरीके या स्ट्रैटेजी अपनाई कोविड-19 के अगेंस्ट. चाइना अडॉप्टेड जीरो कोविड स्ट्रैटेजी. बीच में चाइना बिकेम सो स्ट्रिंजेंट कि अगर एक भी केस मिल जाता था तो पूरा का पूरा सिटी वो लॉकडाउन लगा देता था बिकॉज इट अडॉप्टेड ए जीरो कोविड स्ट्रैटेजी टू हैव अ जीरो कोविड केसेस फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन ओपन इट्स इकोनॉमी. बट दैट जीरो कोविड स्ट्रैटेजी बैकफायर्ड एंड दैट गेव अ मेजर जोल्ट टू द इकोनॉमी ऑफ चाइना. और इस कारण से अब चाइना की इकोनॉमी जो है वो स्ट्रगल कर रही है. इट इज़ फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ मैसिव ले ऑफ आई एम सो सॉरी इन की सेक्टर्स लाइक रियल एस्टेट, टेक एंड एजुकेशन. और अब चाइना की इकोनॉमी एक तो ओल्ड एज पॉपुलेशन
वर्किंग एज पॉपुलेशन का प्रोपोर्शनेटली कम होना और उसके ऊपर से कोविड-19 के कारण मैसिव सेटबैक, ये सारी चीज़ों के कारण चाइना की इकोनॉमी में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस देखे जा रहे हैं और इसका एक सीधा सीधा निगेटिव इम्पैक्ट आप कह सकते हैं इंडिया के ऊपर भी पड़ रहा है। पॉजिटिव्स तो हैं ही, ऑफकोर्स जब चाइना की इकोनॉमी एज होगी तो चाइना से कई सारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं दे विल पुल आउट एंड दे विल स्टार्ट मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, फॉर एग्जांपल एप्पल। सो दैट एडवांटेज इज देयर, बट सम नेगेटिव डायरेक्ट इमीडिएट नेगेटिव एडवांटेज इज दैट मेनी इंटरनेट बेस्ड स्कैम्स हैव स्टार्टेड टू राइज फ्रॉम चाइना, क्योंकि चाइना के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम बढ़ रहा है तो इंटरनेट बेस्ड स्कैम्स आर कमिंग फ्रॉम चाइना एंड दैट इज लीडिंग टू राइज और स्पाइक इन साइबर सिक्योरिटी इशूज इन इंडिया। तो साइबर सिक्योरिटी पर कभी भी सवाल आ जाए कि क्यों हाल फिलहाल में साइबर सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स हमारे देश में बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे आप इसको मेंशन कर सकते हैं कि चाइना की जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं उसको लिंक करके देखा जा सकता है विथ साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस इन इंडिया। बात की जाए इंडिया की, तो अभी तो जो डेमोग्राफी है वो हमारे फेवर में है। यू सी दिस इज वर्किंग एज पॉपुलेशन एंड दिस इज डिपेंडेंट पॉपुलेशन। तो वर्किंग एज पॉपुलेशन इज बाय अ लार्जर मार्जिन हायर देन द डिपेंडेंट पॉपुलेशन और ये एडवांटेज हमारे साथ रहेगा काफ़ी लंबे समय तक, बट बाय 2051 दिस एडवांटेज विल स्टार्ट टू डिक्लाइन। अभी देखिए ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, 61% था वर्किंग एज पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन, वो बढ़ करके हुआ 65% तक और ये पीक करेगा 65% तक बाय 2031, फिर धीरे 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 वो डिक्लाइन करना शुरू करेगा। सो दिस इज़ हाउ इंडिया इज़ इन इट्स स्वीट स्पॉट यू मे से एज फार एज बेनिफिट फ्रॉम इट्स पॉपुलेशन कुड बी डिराइव्ड। लेकिन यंग पॉपुलेशन होना इज नॉट इनफ, यंग पॉपुलेशन हो, लार्जर शेयर ऑफ यंग पॉपुलेशन हो, दैट इज़ नॉट इनफ अनलेस द यंग पॉपुलेशन वर्क्स एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द GDP ऑफ इकोनॉमी। बट प्रॉब्लम क्या, इंडिया के अंदर पुअर एजुकेशन is leading to the problem of unemployability. The problem in India is not unemployment. The problem is lack of employability. वो required skills ही नहीं हैं कई सारे youngsters के पास जिससे वो proper adequate jobs अपने लिए ढूंढ पाए। The problem and again is not with the students but with the entire ecosystem. Ecosystem से मेरा मतलब है you see जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाया नहीं जा रहा है एंड दैट इज़ लीडिंग टू द प्रॉब्लम ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट फॉर यूथ। फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग करके या अलग अलग हायर एजुकेशन करके भी उस स्ट्रीम या उस हिसाब से कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहे इकॉनमी में, सो दैट इज़ द प्रॉब्लम, अंडर एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है। यू सी इसके लिए एक टर्म है, काफ़ी अच्छा टर्म है जिसको आप आंसर राइटिंग में ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, वो टर्म है इंडस्ट्री अकेडमिया मिसमैच, इंडस्ट्री अकेडमिया मिसमैच। ये टर्म आपको इस फिगर से समझ आ जाएगा। द इंडस्ट्रीज रिक्वायरमेंट इन 21st सेंचुरी इज स्किल्स इन द फॉर्म ऑफ डेटा एनालिटिक्स, रोबोटिक्स एंड ऑल, जबकि आज भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को सिखाया जा रहा है काम करना ऑन लेथ मशीन विच इज़ कम्प्लीटली आउटडेटेड रिडंडेंट स्किल आई वुड से। ठीक है, मेरी नॉलेज मैकेनिकल इंजीनियरिंग में लिमिटेड हो सकती है बट लेथ मशीन पे काम करके आजकल अब क्या ही होगा। सो इंडस्ट्री अकेडमिया मिसमैच इज देयर एंड दैट इज़ कॉजिंग प्रॉब्लम्स ऑफ जॉबलेसनेस, लैक ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी इन इंडिया। व्हाट वेंट रॉन्ग विथ इंडिया, तो मोर देन 2500 आईटी इंस्टीट्यूट्स, आईटीआई इंस्टीट्यूट्स कहते हैं इनको, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जहाँ पे फिटर, इलेक्ट्रीशियन इन सब की ट्रेनिंग दी जाती है, दे फेल टू अपडेट देयर स्किलिंग कोर्सेज। नीति आयोग ने इन इट्स रिपोर्ट इंडिया एट 75 मेंशन किया है कि ओनली 5.4% ऑफ द लेबर फोर्स इज स्किल्ड एज पर देयर प्रोफेशन। काम तो कर रहे हैं, डिग्रियां होना अलग बात होती है, स्किल होना टू टेक अप द इकोनॉमिक एक्टिविटीज एज पर योर प्रोफेशन इज इंटायरली डिफरेंट थिंग एंड ओनली 5.4% ऑफ द वर्क फोर्स इज स्किल्ड इनफ टू टेक अप द प्रोफेशन इन विच दे आर इंगेज। और उसके पीछे कारण है कि जो ITI हैं हमारे देश के, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, फिटर इलेक्ट्रीशियन वाले ट्रेनिंग देने वाले इंस्टीट्यूट्स, वहाँ से डिग्रियाँ भी मिलती हैं, दे हैव नॉट अपडेटेड देमसेल्फ एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC, इसकी एक मुख्य जिम्मेदारी है स्किल डेवलपमेंट की। इट प्रोवाइड्स अ शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्सेज लेस देन 1 ईयर आर इनसफिशियंट फॉर रियल स्किल एक्विजिशन। एक साल से छोटे कोर्स में कितना ही स्किल डेवलपमेंट कर लोगे। एंड ऑफकोर्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज सब स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग कॉलेजेस मोस्टली फंक्शनिंग एज मनी मेकिंग एंटरप्राइजेज एंड गिविंग इनएडिक्वेट ट्रेनिंग। सॉल्यूशन क्या हो सकता है, जॉब
क्रिएशन इज़ द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। अगर हमें अपने इस डेमोग्राफिक जो एडवांटेज हैं, जो डेमोग्राफिक पोटेंशियल है हमारे पास, उसको अगर रियलिटी में हमें कन्वर्ट करना है, एक्चुअलाइज करना है, तो हमें जॉब क्रिएशन करने होंगे, और वो भी अंडर एम्प्लॉयमेंट वाले नहीं, एज पर द स्किल्स जॉब क्रिएशन करने होंगे। सारे यूथ अगर काम करेंगे तभी जा करके यंग डेमोग्राफी का हमें फ़ायदा होगा। और अंडर एम्प्लॉयमेंट ना हो, जॉब क्रिएशन एज पर पोटेंशियल, उसके लिए स्किलिंग, राइट स्किलिंग होना जरूरी है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हैज सम विजन इन दिस डायरेक्शन, बट उसको एक्चुअलाइज होने में भी 10-12 साल लग जाएगा, एंड दैट विल बी अ लॉस फॉर इंडिया। एमएसएमई सेक्टर शुड बी फर्दर इंसेंटिवाइज। देखिए, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस की सबसे अच्छी बात क्या होती है कि ओवरऑल जीडीपी में उसका कॉन्ट्रीब्यूशन भले कम हो, 40% के आसपास हो, लेकिन उसका एम्प्लॉयमेंट में कॉन्ट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा होता है। सो एमएसएमई सेक्टर को अगर इंसेंटिवाइज किया गया तो यंग डेमोग्राफी जो है हमारी, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी में एब्जॉर्ब करने का काम कर सकती है एमएसएमई। एंड देन इंडिया मस्ट ऐड टू इट्स आईटी कैपेबिलिटीज विदाउट नेग्लेक्टिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हमें स्ट्रेंथन करना है, बट दैट डज नॉट मीन दैट वी डू इट एट द कॉस्ट ऑफ आईटी सेक्टर। तो कंक्लूजन इज, करेंटली इंडिया इज टेकिंग मिनिमम बेनिफिट्स ऑफ इट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड्स, एंड इन ऑर्डर टू टेक फुल बेनिफिट ऑफ इट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड, हाई क्वालिटी जॉब्स नीड्स टू बी क्रिएटेड, एंड हाईली स्किल्ड यूथ्स नीड टू फुलफिल दीज रोल्स। जर्मन मॉडल अडॉप्ट किया जा सकता है। तो कभी भी आप आंसर लिख रहे हो तो इस तरीके का वे फॉरवर्ड या बेस्ट प्रैक्टिसेज अगर लिखते हैं तो दैट हेल्प्स यू इन फेचिंग 1 मार्क्स एक्स्ट्रा, आई वुड से। तो जर्मनी के अंदर कैसा है, अभी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन तो बिल्कुल ठीक है, सबके लिए कॉमन है, बट हायर एजुकेशन में प्योरली दो डिफरेंट स्किल्स हैं या दो डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं। एक है हायर एजुकेशन सिस्टम और दूसरा है वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। भाई, जिसको पढ़ाई लिखाई करके कुछ, मान लीजिए आर्ट वगैरह करना है, लिटरेचर पढ़ना है, वो हायर एजुकेशन सिस्टम में जाएँ। जिनको फील्ड वर्क करना है, जिनको जॉब करना है, वो इस स्ट्रीम में जाए जहाँ पे सीधा फोकस वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन पे हो। इस तरीके से जो लोगों को वर्कफोर्स की तरह एब्जॉर्ब होना है, उनको राइट सिंस द बिगनिंग प्रॉपर स्किल ट्रेनिंग दी जाए। अब हमारे यहाँ क्या होता है, पहले इंजीनियरिंग करते हैं, फिर चले जाते हैं, पहले बीटेक करते हैं, फिर एमटेक करते हैं, फिर पीएचडी करने लगते हैं, रिसर्च करने लगते हैं, राइट। बट तो मुद्दा यह है कि या तो आप रिसर्च वर्क में जाओ, या तो फिर आप ग्राउंड रियलिटीज़ या ग्राउंड की जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो एब्जॉर्ब करके आप एक ग्राउंड वर्क पे काम करो, वर्कफोर्स की तरह काम करो। सो इंडिया में अभी चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं, उसको सेग्रीगेट करके जर्मन मॉडल अडॉप्ट किया जा सकता है फॉर मोर एब्जॉर्प्शन और बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ वर्कफोर्स इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट गोल्डिलॉक मोमेंट फॉर आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकॉनमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू क्या होता है वो आप समझते हैं। आरबीआई की जिम्मेदारी है मॉनेटरी पॉलिसी को क्यूरेट करना एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द इकोनॉमी, और आरबीआई के अंदर एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू करती है। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2016 में बनाई गई बाय अमेंडिंग आरबीआई एक्ट ऑफ 1935। 2016 से पहले मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू सोलली आरबीआई के गवर्नर किया करते थे, अकेले आरबीआई के गवर्नर फैसला करते थे कि मॉनेटरी पॉलिसी में किस तरह के बदलाव किए जाने चाहिए। पर 2016 में भारत सरकार ने आरबीआई एक्ट में अमेंडमेंट करके एक कमेटी बना दी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, विच इज अ 6 मेंबर बॉडी। 3 लोग आरबीआई की तरफ से होते हैं और 3 लोग भारत सरकार की तरफ से होते हैं। ये 3 जो लोग आरबीआई की तरफ से होते हैं वो हैं आरबीआई गवर्नर, आरबीआई डेप्टी गवर्नर एंड 1 ऑफिसर फ्रॉम आरबीआई, और 3 लोग जो भारत सरकार की तरफ से होते हैं दे आर नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हु आर एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी एंड कॉमर्स एंड दे आर जनरली नॉमिनेटेड फॉर द पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। ये 6 लोग मिलकर के मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू इज डन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द इकॉनमी, जिसमें मुख्य गोल जो आरबीआई के लिए है वो है इन्फ्लेशन टारगेटिंग। फैसला जो होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, एज फार एज मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू एंड मॉनेटरी पॉलिसी चेंजेज आर कंसर्न, वो फैसला होता है ऑन द बेसिस ऑफ वोटिंग, और फैसला अल्टीमेट डिसीजन लिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी वोटिंग। तो संभव है कि आरबीआई के गवर्नर वोट आउट हो जाएं और उनके जो ओपिनियन है उसको ना लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर फैसला जो होता है मेजॉरिटी डिसीजन पर होता है। ये थ्योरेटिकली पॉसिबल है, बट टेक्निकली या इन जनरल ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अगर टाई हो जाता है तो उस केस में टाई ब्रेकर वोट आरबीआई गवर्नर के पास है, और नॉर्मली ऐसा कभी होता नहीं है कि आरबीआई गवर्नर के खिलाफ आरबीआई के डेप्टी गवर्नर या आरबीआई का ऑफिसर वोट करे। तो
एटमैक्स ऐसा हो सकता है कि भारत सरकार के जो तीन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कुछ और कह रहे हैं और आरबीआई के जो तीन लोग हैं वो कुछ और कह रहे हैं, उस केस में आरबीआई के गवर्नर के पास टाई ब्रेकर वोट है एंड दैट इज हाई अल्टीमेटली द व्यू ऑफ आरबीआई गवर्नर प्रिवेल्स बट इन अ टू स्टेप प्रोसेस. अर्लियर आरबीआई गवर्नर वुड डिसाइड द इंटायर मॉनेटरी पॉलिसी ऑन हिज ओन. अब एक और चीज़ है, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट. दिस अग्रीमेंट वॉज साइंड बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई एंड एज पर दिस अग्रीमेंट द सोल और द प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आरबीआई ऑफ इन्फ्लेशन कंट्रोल एंड टू कीप सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन या रिटेल इन्फ्लेशन जिसको कहते हैं बिटवीन 2% to 6%. ये आरबीआई की मुख्य जिम्मेदारी होगी. आपको पता है मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट इंटरप्ले बिटवीन इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ. अगर आप ग्रोथ बढ़ाने जाते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, जब आप इन्फ्लेशन कंट्रोल करने जाते हैं तो ग्रोथ घट जाता है, तो दोनों एक साथ मैनेज करना थोड़ा कठिन होता है. तो भारत सरकार ने 2015 में आरबीआई एक्ट को अमेंड करके एक अग्रीमेंट साइन किया आरबीआई के साथ, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट, जिसमें आरबीआई की जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई वो दी गई रिटेल इन्फ्लेशन को 2% to 6% के बीच में रखना एंड इफ आरबीआई फेल्स टू कीप इन्फ्लेशन इन द डिजायर्ड रेंज फॉर 9 कंसेक्यूटिव मंथ्स देन इट विल बी कंसिडर्ड एज फेलियर ऑफ आरबीआई एंड आरबीआई विल हैव टू सबमिट अ रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सप्लेनिंग द रीजंस बिहाइंड इट्स फेलियर एंड ऑल्सो मेजर्स दैट इट इज टेकिंग इन ऑर्डर टू ब्रिंग बैक द इन्फ्लेशन इन डिजायर्ड रेंज. तो ये है मॉनिटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट. The agreement was earlier only for 5 years till 2021, but in 2021 it was also it was again amended and extended till 2026. अभी करंट यूज देखते हैं. हाल फिलहाल में आरबीआई ने थर्सडे को यानी कि कल के दिन आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू किया है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ने. और मजे की बात यह है कि आरबीआई हैज डिसाइडेड टू गो फॉर स्टेटस को, यानी कि जिस तरीके से जो भी पॉलिसी रेट्स थे लाइक रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, सारे के सारे रेट्स एज इट इज़ कंटिन्यू किए गए हैं विदाउट एनी चेंजेज. और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा, आरबीआई काफ़ी टाइम से स्टेटस को अप्रोच अपना रही है एज फार एज पॉलिसी रेट्स आर कंसर्न. जीडीपी की अगर बात की जाए तो आरबीआई ने प्रेडिक्ट किया है कि जो करेंट फिस्कल ईयर है 23-24 उसमें ग्रोथ रेट विल बी समवेयर क्लोज टू 6.5% विच वॉज 7.2% इन 2022-23. तो दुनिया के लगभग हर एक इकोनॉमिस्ट मान रहे हैं कि 2023-24 में इंडिया का ग्रोथ रेट थोड़ा स्लो डाउन होगा. कुछ लोगों का कहना है कि 6% के आसपास जाएगा, कुछ का कहना है कि 6.5% तक रहेगा. अभी देखिए, जो पॉलिसी रेट्स अनचेंज रखे हैं आरबीआई ने पिछले काफ़ी लंबे समय से, इस कारण से कहा जा रहा है कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी हैज़ अटेंड इट्स गोल्डी लॉक मोमेंट. तो गोल्डी लॉक टर्म होता क्या है वो जरा समझिए. देखिए, गोल्डी लॉक जोन जो है दैट इज़ बेसिकली एसोसिएटेड विद कॉस्मोलॉजी. कॉस्मोलॉजी से रिलेटेड ये टर्म है. होता क्या है कि सन से जो भी प्लैनेट्स काफ़ी नज़दीक हैं वहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, जैसे जैसे आप दूर जाते हैं टेम्परेचर कम होने लगता है. सो देयर इज अ जोन इन बिटवीन जो सन से ना ही काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है ना ही काफ़ी ज़्यादा दूर है. एक ऐसा जोन है बीच में जहाँ पे ऑप्टिमम टेम्परेचर रहता है, जहाँ पे वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्मेट में रहता है और जिस कारण से वहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, और उसी जोन में है हमारा अर्थ, प्लैनेट अर्थ. तो दैट गोल्डी लॉक जोन इज अ जोन अवे फ्रॉम द सन सरफेस विच इज़ ए हैबिटेबल जोन वेयर द टेम्परेचर इज नाइदर टू हाई नॉर टू लो, ऑप्टिमम टेम्परेचर, एंड दैट हेल्प्स इन हैविंग लाइफ ऑन अर्थ बिकॉज आर प्लैनेट अर्थ इज इन दैट गोल्डी लॉक जोन विच इज हैबिटेबल. तो माना जा रहा है कि आरबीआई की जो मॉनिटरी पॉलिसी रिव्यू है या आई एम सो सॉरी मॉनिटरी पॉलिसी के जो रेट्स हैं, मॉनिटरी पॉलिसी रेट्स, ये रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ये अपने गोल्डी लॉक जोन को पहुंच चुका है, ना ही बहुत ज़्यादा है ना ही बहुत कम है, और इसीलिए आरबीआई को अब इसमें टिंकरिंग करने की जरूरत नहीं महसूस हो रही है. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट ग्राउंड लेवल ओजोन एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए, हुआ क्या है कि दिल्ली और एनसीआर रीजन में हाल फिलहाल में देखा गया है कि ग्राउंड लेवल पे ट्रोपोस्फेरिक ओजोन जिसको कहते हैं ग्राउंड लेवल पे ओजोन, उसका कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो गया, मच हाइयर देन द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स. अभी द रीजन इज सीइंग रेयर फिनोमेना ऑफ ओजोन लेवल रिमेनिंग एलिवेटेड इवन एट नाइट. नॉर्मली ओजोन लेयर जो है ये ग्राउंड लेयर या ग्राउंड लेवल पे जो ओजोन है ये दिन के टाइम में बढ़ा रहता है, बट एक रेयर फिनोमिना है, रेयर फिनोमिना है. इस पे सवाल बनेगा पीटी में, ध्यान रखिएगा. ग्राउंड लेवल ओजोन
कब बनता है? दिन के टाइम में। क्यों दिन के टाइम में बनता है वो आप अगले पेज पे समझ जाएंगे। बट ये रेयर फेनोमेना है दिल्ली के अंदर कि वहाँ पे नाइट के टाइम में भी ग्राउंड लेवल ओजोन देखा जा रहा है, एक्सपीरियंस किया जा रहा है। और रीज़न उसका सिंपल है, दिन के टाइम में इतना ज़्यादा ओजोन, ग्राउंड लेवल ओजोन प्रोड्यूस हो जा रहा है कि रात के टाइम में भी उसकी कंसेंट्रेशन बनी रह रही है। ग्राउंड लेवल पे ओजोन बनता कैसे? यू सी, इसको हम लोग कहते हैं ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। नॉर्मली आपको पता होगा ट्रोपोस्फेयर के ऊपर स्ट्राटोस्फेयर में ओजोन लेयर होता है, मतलब दोनों का जो ट्रांजिशन वाला फेज होता है वहाँ पे ओजोन लेयर होता है, ट्रोपोपोज और थोड़ा बहुत स्ट्राटोस्फेयर में ओजोन होता है। तो ओजोन जो है नॉर्मली हमारे ग्राउंड लेवल पे मिलता नहीं, थोड़े बहुत ओजोन ग्राउंड लेवल पे मिलते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, विच इज़ कलरलेस एंड हाईली इरीटेटिंग ऑफ एज फार एज आर आईज आर कंसर्न। तो ये जो ग्राउंड लेवल के ओजोन बनते हैं वो कैसे बनते हैं वो जरा समझिए। ये जो हमारे वेहिकुलर इमिशंस होते हैं, नॉक्स हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन्स, ये सनलाइट के प्रेजेंस में, एक्सेसिव हीट में, ये ओजोन बना देते हैं, ओजोन विच इज़ वेरी बैड फॉर हेल्थ, तो ग्राउंड लेवल ओजोन। इसीलिए मैंने कहा था आपको कि ग्राउंड लेवल के जो ओजोन है नॉर्मली डे टाइम में होंगे, क्योंकि डे टाइम में ही सनलाइट और हीट होता है, और इनको कभी कभार समर ओजोन भी कह देते हैं। बट दिल्ली के अंदर एक स्पेशल या अजीब सा फिनोमेना देखा जा रहा है जहाँ पे रात को भी ये ग्राउंड लेवल ओजोन की कंसंट्रेशन ठीक ठाक से पाई जा रही है। द रीज़न इसके दिन के टाइम में इतना ज़्यादा ग्राउंड लेवल ओजोन हो जा रहा है कि रात में तो थोड़ा बहुत तो कंसंट्रेशन रही जा रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, वेहिकुलर इमिशंस, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ये इंडस्ट्री से आ रहे हैं वेहिकुलर इमिशंस, एंड दे अलॉन्ग विथ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन्स। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन्स कम फ्रॉम सॉइल्स और इवन द डेड वेजिटेशंस, सॉल्वेंट्स लाइक फ्यूम्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, यहाँ से आता है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन्स। पेट्रोल पंप वगैरह पे जो कुछ अलग से स्मेल आती है ना पेट्रोल पंप पे, वो एक्चुअली में वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन का होता है। ये दोनों जब मिल जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दे क्रिएट ग्राउंड लेवल ओजोन विच कैन डैमेज क्रॉप्स एंड वेजिटेशंस। आई थिंक ओजोन पे लास्ट ईयर UPSC ने मेंस में सवाल पूछा था, साइंस एंड टेक वाले में, GS पेपर 3 में। तो इम्पॉर्टेंट है, इस साल APSC पूछ सकता है क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स होंगे जी। तो डैमेज द क्रॉप्स एंड वेजिटेशन लीडिंग टू पुअर क्वालिटी एंड क्वान्टिटी फॉर द क्रॉप्स एंड वेजिटेशन, नेगेटिवली इम्पैक्ट अर्बन वेजिटेशन, राइट। ये सारे के सारे वेजिटेशन पे इम्पैक्ट दिए हैं, बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ कि ओजोन के कारण हमारे लंग्स में इरीटेशन होती है, इट कैन कॉज प्रॉब्लम्स लाइक लंग कैंसर, ऑल्सो लंग इरीटेटिंग ग्राउंड लेवल ओजोन। अभी दिल्ली के अंदर सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, एंड एज पर आर रिपोर्ट इंडिया के अंदर ओवरऑल, दिल्ली में तो सबसे ज़्यादा खराबी है सिचुएशन, बट इंडिया के अंदर ओवरऑल ग्राउंड लेवल ओजोन का कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है एज पर दिस स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट, जिस कारण से ग्राउंड लेवल ओजोन्स के कारण होने वाली जो डेथ्स हैं दैट इज़ हैविंग हाइएस्ट इन आवर ओन कंट्री। डेथ्स अट्रिब्यूटेबल टू ग्राउंड लेवल ओजोन आर अमंगस्ट द हाइएस्ट इन आवर कंट्री। अभी ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस के ऊपर या जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट होता जा रहा है, वहाँ पे होल हो गया, उसको लेकर के एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है और एक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है, आई होप आपको याद होगा 1986 या 87 में किया गया था, उसके बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, ये 2015 UPSC प्रीलिम्स में आया था 2015 में। प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ये इसी से रिलेटेड किगाली प्रोटोकॉल वगैरह सब इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट के लिए। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट खाखो वोका डैम, राइट। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक एज फार एज प्रिलिम्स एग्जाम इज कंसर्न। आजकल तो UPSC और APSC दोनों ही काफ़ी प्रिलिम्स में भी कठिन और घुमा फिरा के सवाल पूछने लगे हैं, बट ये एक दो साल पहले तक का ट्रेंड रहा है, प्लेसेज इन न्यूज़ पे सवाल आते हैं। इस बार भी प्लेसेज इन न्यूज़ पे सवाल आए हैं APSC में भी और UPSC में भी, बट तीन चार ऑप्शन एक साथ दे देते हैं आजकल वो। फिर भी ठीक है, इस तरह के छोटे छोटे टॉपिक्स हम लोग कवर करते फिरेंगे सो दैट इट मे बी हेल्पफुल। तो ये एक डैम है सोवियत एरा का, काकोकवा डैम, दैट सेपरेट्स रसिया एंड यूक्रेनियन फोर्सेस। हाल फिलहाल में इसको ब्रीच कर दिया, तोड़ दिया गया, इट वॉज ब्रोकन, इट इज़ अलीज दैट कि रसियन फोर्सेज ब्रोक इट एंड दैट हैज़ लेड टू फ्लडिंग इन द लोकल रीजन। दिस डैम इज लोकेटेड ऑन नाइपर रिवर इन सदर्न यूक्रेन विच वॉज बिल्ट एज अ पार्ट ऑफ काकोका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, और यहीं से ज़ापोरिज़िज़िया न्यूक्लियर प्लांट पे पावर सप्लाई होता है। आई थिंक ज़ापोरिज़िज़िया न्यूक्लियर प्लांट
मैंने कराया भी था न्यूज़पेपर एनालिसिस में और रिवीजन में भी कराया था। ये यूपीएससी प्रीलिम्स में ये टर्म आया था, न्यूक्लियर पावर प्लांट ये वाला आया था इस बार जो यूपीएससी प्रीलिम्स हुआ है। ये जो डैम है इट होल्ड्स वाटर वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू ग्रेट सॉल्ट लेक ऑफ द यूएस, जस्ट टू गिव एन आइडिया कि हाउ बिग दिस डैम इज। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसमें पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट सही, पहला तो सही है बट दूसरा गलत है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एक्सपेक्ट टू हैव 100% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इन स्कूल एजुकेशन, सो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अंतर्दृष्टि में दोनों स्टेटमेंट गलत हैं क्योंकि लोकल लेवल पे भी फाइनेंशियल इंक्लूजन रिफ्लेक्ट करेगा अंतर्दृष्टि दास बोर्ड एंड हैज बीन रिलीज्ड बाय आरबीआई नॉट नीति आयोग। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।